नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे, आइए जानें हिंदू परंपराओं में विज्ञान कैसे जुड़ा हुआ है। हिंदू परंपराओं से जुड़े वैज्ञानिक तर्क क्या हैं? कान छिदवाने की परंपरा, माथे पर कुमकुम लगाने की परंपरा, जमीन पर बैठकर भोजन करने की परंपरा, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से, पीपल की पूजा, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना, सूर्य नमस्कार, सिर पर चोटी, हम इन्हीं को बताएंगे कि कैसे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आइए जानें, माथे पर कुमकुम क्यों लगाते हैं? महिलाएं पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि आंखों के बीच में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठे या उंगली से प्रेशर पड़ता है, तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुँचता है। कान छिदवाने की परंपरा। भारत में लगभग सभी धर्मों में कान छिदवाने की परंपरा है। दर्शन शास्त्री मानते हैं कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, जबकि डॉक्टरों का मानना है इससे बोली अच्छी होती है। कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नक्स का रक्त संचार नियंत्रित रहता है। जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना अच्छी बात होती है। पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योगासन है। इस पोजीशन में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त अगर दिमाग शांत ना हो तो पाचन क्रिया अच्छी रहती है। इस पोजीशन में बैठते ही खुद ब खुद दिमाग से एक सिग्नल पेट तक जाता है कि वह भोजन के लिए तैयार हो जाए। हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। जब सभी उंगलियों के शीर्ष से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक प्रेशर के कारण उसका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, ताकि सामने आने वाले व्यक्ति को हम लंबे समय तक याद कर सकें। दूसरा तर्क यह है कि हाथ मिलाने के बजाय अगर आप नमस्ते करते हैं तो सामने वाले के शरीर के कीटाणु आप तक नहीं पहुँचते। अगर सामने को स्वाइन फ्लू या कोई भी इन्फेक्शस बीमारी है तो वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से। जब भी कोई धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान होता है तो भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से होता है। तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तंत्र तत्व और अम्ल शक्ति हो जाते हैं। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, इससे पेट में जलन नहीं होती। पीपल की पूजा। तमाम लोग सोचते हैं कि पीपल की पूजा करने से भूत प्रेत भागते हैं। इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि इस पेड़ के प्रति लोगों का सम्मान बढ़े और उसे काटे नहीं, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो रात में भी ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। दक्षिण की तरफ कोई पैर करके सोता है तो लोग कहते हैं बुरे सपने आएंगे, भूत प्रेत का साया आ जाएगा आदि, इसलिए उत्तर की ओर पैर करके सोए। जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर संचारित होने लगता है। इससे अल्जाइमर, पार्किंसन या दिमाग संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, रक्तचाप भी बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा है। पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों में पहुँचती हैं तब हमारी आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। हिंदू धर्म में ऋषि मुनि सिर पर चुटिया रखते थे, आज भी लोग रखते हैं। जिस जगह पर चुटिया रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती हैं। इससे दिमाग स्थिर रहता है और इंसान को क्रोध नहीं आता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। अगर आप शैक्षिक पटल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आपके सुझावों का, विचारों का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।